নটুয়া টোল গ্রামের দুটি বাড়িতে হঠাৎই আগুন লেগে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। রবিবার রাত্রে 11টায় গল্পকুর 1 নং ব্লকের অন্তর্গত মহুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নটুয়া টোল গ্রামে হঠাৎই একটি বাড়িতে আগুন লেগে যায়। তবে কিভাবে ওই বাড়িতে আগুন লাগলো এখনো জানা যায়নি। ওই আগুনের ফলে দুটি বাড়ি ভস্মীভূত হয় এবং লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় ওই আগুনকে নিয়ন্ত্রণে আনা যায় বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। ভস্মীভূত বাড়িগুলি পরিদর্শন করলেন স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ আহমেদ রেজা। সোমবার দুপুরে গোয়ালপুকুর 1 নং ব্লকের অন্তর্গত মহুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নাটোয়াটোল এলাকায় রাত্রের আগুনে ভস্মীভূত দুটি বাড়ি পরিদর্শন করলেন ব্লকের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ আহমেদ রেজা। তিনি পরিদর্শন করার পর সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দিলেন গৃহকর্তাদের। এই কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত খুশি এলাকাবাসী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের উচ্চপদস্থ নেতারা। देखिए ये तो बहुत दुखद घटना है। ये हमारे नटवाटोल गांव है, महुआ ग्राम पंचायत के अंडर में आते हैं। रात को लगभग तकरीबन 10 बजे के आसपास आग लग गई थी। आग लगने के वजह से 2 घर पूरी तरह से जल गया है। आप लोग देख ही रहे हैं कि पूरा टीन से लेकर हर कुछ इनका 2 परिवार का पूरा लगता पूरा क्षतिग्रस्त हुआ है। इन लोगों का डैमेज हो गया, फुल्ली जल के राख हो गया है। ये आप कैसे आग लगी पता नहीं चल रहा है। ऐसा शॉर्ट सर्किट से हुआ है ना किससे हुआ, इलेक्ट्रिक वायर भी गया है ऊपर से, पता नहीं चल रहा है कैसे आग लगी है। ये रात को जो है फायर स्टेशन का गाड़ी ग्वालपकड़ से आया हुआ था, आग को काबू में लाया गया है। ये खबर सुन के हमारे मंत्री साहब जनाब गुलाम रब्बानी साहब और गुलाम रसूल साहब जो हमारे पुरतों के कर्मोदक हैं, उन्होंने भी ये अभी हमको रात ही को फ़ोन किए थे कि जाओ वहाँ पे जाके देख के क्या हालात है, हालात का जायजा लेके बताओगे। उसके बाद कोई रिलीफ का जो भी अगर होगा उन दोनों की तरफ से जो है पूरा सहयोगिता मिलेगा। बी डी ओ साहब को भी मालूम है इस बात को, बी डी ओ साहब भी आएंगे और अगर वहाँ पर मंत्री साहब भी इलाके में हैं अभी, अगर मौका मिले तो वो लोग भी आएंगे और हमारे पुरतों के कर्मोदक वो भी आएंगे यहाँ पर। जी आपका नाम? मेरा नाम अहमद रजा है। शुक्रिया। Mm-hmm.